इस कोरोना का मार हम लोग पहले मर चुके हैं, दूसरा बारिश के मार से मर रहे हैं। इसी बारिश में नगर आईसी ने हम लोगों को ये घर कर दिया है, कहाँ जाएंगे कोई। ये बरसात में नीचे बैठे हुए पानी में न अन्न है न कुछ है, दुकान तोड़वा रहे की कहीं सरकारी केस नहीं हो जाए, तो क्या गरीब इसीलिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड किनारे फुटपाथी दुकानदारों को नगर निगम ने 20 अगस्त तक दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया था। 20 अगस्त के बाद नगर निगम खुद इसको हटाने के लिए पहल करती, लेकिन इसके पहले ही फुटपाथी दुकानदारों ने FIR की डर से बारिश में ही दुकान को हटाने में लगे हुए हैं। इधर दुकानदारों का कहना है कि हम लोग 50 वर्षों से यहां पर दुकान लगाकर रोजी रोटी चला रहे थे। दुकानदारों का यह भी कहना है कि हम लोग जमीन का किराया रेलवे को देते आ रहे हैं, इसके बावजूद हम लोगों को हटाया जा रहा है। सुनिए दुकानदार क्या कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा लीजिएगा। वीडियो को आगे से आगे तक शेयर कीजिएगा। मोहम्मद नसीम जी, स्टेशन रोड में दुकान सब साइड से तोड़ा जा रहा है, इसमें आपका भी दुकान था क्या? स्टेशन रोड में 50-60 साल से हमारे पूर्वज चला रहे थे। उनके बाद उन्होंने हमारे फादर ने हमको दिया कि रो बाबू, हम लोग बीकॉम किए हुए थे, नौकरी मिला नहीं तो हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए अब। और हम लोग इस स्टेशन रोड में 122 दुकानदार हैं और उनका परिवार जो लिए तो 5-6 आता है, सभी को एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हम लोग रेलवे के रेवेन्यू देते थे, यानी किराया हम लोग 50-60 साल से हर साल में महीना के हिसाब से 12 महीना का जोड़ के देते थे। एग्रीमेंट भी हमारा बना हुआ है और रेल का जो है यहाँ पर नीचे जमीन में लोहा का बना हुआ है कि रेल की जमीन है। नीचे देखिएगा, आप शूट कीजिएगा तो एक दायरा बना हुआ है। 50-60 साल से ये नगर निगम और रेल में आनाकानी था कि आप दीजिए, रेल ने कहा कि हम नहीं देंगे। क्या कारण है कि ये एक बैग तो 3 महीना में, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है और हम लोग को गफलत देके नगर निगम को इन्होंने NOC दे दिया, मगर दुकान रेलवे ने अभी कैंसिल नहीं किया। बहुत बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, रेल के दुकानदार ने, दुकानदार को जो एग्रीमेंट बना था उसको कैंसिल रेलवे ने नहीं किया। और रेल के जब कैंसिल नहीं किया, नगर निगम ने नोटिस दिया किस आधार पर? मैं तो आपका किरायेदार नहीं हूँ, मैं तो रेल का किरायेदार हूँ, फिर भी आपने कहा कि चलिए नगर निगम का स्मार्ट सिटी का काम होगा। तो हम कहा कि नगर आयुक्त महोदय, ये स्मार्ट सिटी का काम बनेगा तो हम भी आपका साथ देंगे, पर वैकल्पिक व्यवस्था जो बटलर में पोखर में ये बीघा बीघा में जमीन है उसमें हमको 10 फीट नहीं, 5-5 फीट बसा दीजिए। तो आप बसाने का काम नहीं किए, मैं हम लोग न जाने पटना से लेके और जितने मंत्री है, जितने विधायक है, सबके पास गए, किसी ने हमारा साथ 122 दुकानदार का नहीं दिया, तो उनके आंसू रुला दिया। और अब जो है रोजी रोटी छीन लिए और ये तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि आप दुकान खाली कीजिए और नहीं 20 तारीख को, नहीं तो आप लोग पर सरकारी केस हो जाएगा। तो मैं नगर आयुक्त महोदय कि मैं तो अब दुकान खाली कर दिया, तोड़ दिया, 10,000 रुपया लगा के, तब मेरा बाल बच्चा 122 का बाल बच्चा जो है वो तो आत्महत्या के कगार पे है। और इस सारा का जिम्मेवार नगर में आयुक्त आप है, आप कोई भी संविधान में कि पहले उजाड़ने से पहले उसको बसाने का काम होता है। हम लोग 10 फीट नहीं मांगे थे, 3 फीट का देते, तो आप लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, साफ बोल दिया। DM साहब ने भी बोल दिया कि भैया आप लोग को, आप 50-60 साल से हैं, मुस्तैनी कब तक रहिएगा? तो संविधान में 13 साल के बाद जो है जमीन उसका होता है रोजी रोटी का, यहाँ तो मैं 50-60 साल से हूँ, तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा भैया? दाल रोटी कमाने के लिए तो कोरोना के मार से 2 साल है, बैंक का लोन है 5 लाख रुपया, अब बैंक को हम कहाँ से देंगे? हम तो दिवालिया घोषित हो गए, मेरा तोड़ फोड़ के कर दिया। आप हम पर केस क्या कीजिएगा? आप सामना कभी हमसे कीजिए, डिबेट कीजिए कि 122 दुकानदार का जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे इस वक्त। ये बरसात में नीचे बैठे हुए पानी में न अन्न है न कुछ है, दुकान तोड़वा रहे कि कहीं सरकारी केस नहीं हो जाए, तो क्या गरीब इसीलिए है? ये मखमल का काट का पैबंद था गुमकी, उसको आप हटा दिए, स्मार्ट सिटी का एक काम भी मुजफ्फरपुर में बता दीजिए तो आपका जूता मेरा सर, अब मैं मुजफ्फरपुर त्याग दूंगा। आपका दुकान है तो कुछ नहीं कर सकते, सारा गलती नगर है, हम कुछ नहीं करना चाहते कि हमको रोना आता है और बार बार पब्लिक के सामने रोना अच्छा नहीं लगता है। जो उन्होंने किया है हम लोग के साथ बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत। एक कोरोना का मार से हम लोग पहले मर चुके हैं, दूसरा बारिश के मार से मर रहे हैं। इसी बारिश में नगर आईसी ने हम लोगों को ये घर कर दिया है, कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था है हम लोगों का, ना अपना घर है ना अपना दुकान है, कहाँ जाए, क्या हमारे बच्चे खाएंगे बताइए? नगर आईसी
तो हम लोग ने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। गरीब को कोशिश ही नहीं, गरीब को कहीं जमीदार के देखने के लिए बनाया नहीं गया है। उनको कहीं ना कहीं नहीं दस कट्ठा दीजिएगा, नहीं दस फीट दीजिएगा, पाँच फीट दीजिएगा, तीन फीट दीजिएगा, लेकिन जीने का आधार तो दीजिएगा ना। वो हमारे लिए किए, वो कुछ नहीं किए, उनका सारा जिम्मेदारी लेकर आए थे।